दोस्तों, मैं सोनू शर्मा नित्य इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास जो है एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करने के लिए आया हुआ है, जो कि दोस्तों इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम जिसे कि दिखा रहा है, जिससे कस्टमर ने बोला कि इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में जो है इसको इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये लोकल कंपनी का ही लगता है, तो चलिए दोस्तों इसको आज रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे सारे वीडियो को देख पाए मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों इसको अभी खोल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर बटन है, इसको ऑन करेंगे। देखिए ये ऑफ हो गया क्योंकि चार्जिंग नहीं होगा शायद, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। ये चार्जिंग करके देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये चार्जर है और ये बोर्ड हमारा ये चार्जिंग चालू है, तो मैं इसमें चार्जिंग लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डैमेज टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सही नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ से चार्जिंग लगाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग तो लाइट नहीं जल रहा है चार्जिंग का, यहाँ पे और भी कहीं लाइट होगा शायद, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो कोई लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, मैं चार्जिंग को चालू करके इसमें लगाया हूँ, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो फेक वीडियो नहीं आते हैं, जो भी आते हैं ओरिजिनल वीडियो आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चार्जिंग लगा दिया, इसको चालू कर दिया। देखिए पावर आ गया और इस चालू है स्विच, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं चार्जिंग लगाया हूँ बट ये काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको साइड कर लेते हैं और इस वाले को यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसको खोलना पड़ेगा हमें। और सबसे पहले दोस्तों पीछे स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इस स्क्रू, चार स्क्रू को हम बारी बारी से खोल लेंगे पहले। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। बाहर निकल गया और ये हमारा बाहर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं इसके पीछे दोस्तों दो स्क्रू दिए हुए हैं, देख सकते हैं इसके पीछे, तो हमें इसको भी खोलना होगा। दोस्तों एक कवर लगा था इसलिए जो है समझ में नहीं आ रहा था, वो खोल देते हैं और इसको भी हम ऊपर इसे खींच लेंगे। और यहाँ पे भी दो स्क्रू हैं और दो इधर एक इधर, टोटल छः स्क्रू हैं, छः दो आठ। और ये निकल चुका है, कपड़े में फंसा हुआ है थोड़ा, इसीलिए ये बराबर देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो कपड़े हैं इसमें फंसे, निकल चुका है कपड़ा, देख सकते हैं कपड़ा इस पर रखा हुआ था। ये हमारा इस दोनों स्पीकर है जो कि एकदम बढ़िया कंडीशन में है, कोई इशू नहीं आ रहा है, देख सकते हैं एकदम कंडीशन बढ़िया है स्पीकर का। और ये दोनों ये वायर है जो कि शायद एक बार जो है रिपेयर भी हो चुका है लगता है। तो इसको चालू करने पे एक बार देखते हैं चालू करके। सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ऑन होना चाहिए पहले, तो दोस्तों चार्जिंग नहीं ले रहा है ये, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और ये पीसीबी को हम खोल लेते हैं धीरे धीरे। तो चलिए मैं इसकी मदद से इसको निकाल लेता हूँ, बैटरी कनेक्टर मैंने निकाल चुका है और इसको साइड में रख लेते हैं। स्क्रू निकल गया, दूसरा वाला भी स्क्रू हम खोल लेंगे यहाँ से, तो बाहर निकाल लेंगे इसका जो बोर्ड है, इसको ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। और इसका चार्जिंग कनेक्टर में देख लेते हैं एक बार, तो इसका चार्जिंग कनेक्टर चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना होगा थोड़ा। देखिए इसको चार्जिंग कनेक्टर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्टर इसका जो है डैमेज हो चुका है, टूटा हुआ दिख रहा है अंदर आपको, आपको जो है टूटा हुआ देख सकते हैं, टूटा हुआ अंदर दिख रहा होगा, देख सकते हैं ये टूटा हुआ दिख रहा है। ये पूरा जो है दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर कनेक्टर इसका जो है डैमेज हो चुका है। ये दोनों स्पीकर के कनेक्टर को हमको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, इसको साइड रख लेते हैं और इसको भी साइड कर लेते हैं।
तुम्हारा जो चार्जिंग कनेक्टर है वो टूट गया है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर निकालते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो लाइटें लगी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइट लगी हुई है, एलईडी लाइट जो कि चार्जिंग के लिए और ऑन होने के लिए यहाँ पे लाइट जलती है, तो उस लाइट को भी वो देखना है निकल ना जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देते हुए काम करना होगा। तो चलिए अभी जो है मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, शायद ये निकल जाए। दोस्तों इसको अच्छे से जो है क्लीन कर लेंगे एकदम। और यहाँ पे जो इसका पिन है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल 5 पिन का है, बट इसका 5 पिन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है एक लंबा सा गया है, वो इसी में से एक लाइन निकला है जो कि अब प्लस में जाता है, और ये वाला एक ग्राउंड का लाइन है जो कि ये ग्राउंड है, यहाँ से इसमें टच है, और ये वाला बीच वाला भी ग्राउंड का ही है। तो इसमें देख लेते हैं कितना पॉइंट पिन है, इसका पिन पॉइंट कितना है देख सकते हैं, इसमें जो है 1 2 3 4 5 पिन है इसमें। तो इस कनेक्टर को जो है, जो इसका कनेक्टर था हम लगाने वाले थे जो इसमें, तो यहाँ पे है वो, तो इसको ऐसे यहाँ पे फिट कर लेंगे। शोल्डर है हमारा देख सकते हैं, पेस्ट लगा लेना होगा क्योंकि इसको लगाने से अच्छे तरीके से जो है ये सोल्डिंग हो जाएगा, उसमें लग जाता है, पकड़ कर रखेंगे ऐसे, और जलेगा नहीं दोस्तों, आराम से हो जाएगा। ऐसे तरीके से इसमें इस तरीके से हमको फिट कर देना होगा। अभी ये लग चुका है, अब इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा रंगा डाल देंगे। तो देख सकते हैं ये हो चुका है यहाँ पे, एक दो तीन चार और पाँच, देखिए सब पिन अलग अलग है, अच्छे तरीके से मैंने सोल्डिंग कर दिया है, ऐसे ही आपको सोल्डिंग करना है। चलिए चार्जिंग चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी जो है हम चार्जिंग लगा के देख लेते हैं इसमें चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पिन पॉइंट तो सही है। तो चलिए चार्जिंग लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग मैंने लगा दिया बट अभी दिखा नहीं रहा है इसको, दोस्तों बैटरी लगाएंगे तो हमारा चार्जिंग शो करने लगेगा। तो चलिए मैं बैटरी लगा लेता हूँ, यहाँ पे इसका कनेक्टर लगा लेंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर देख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। देख सकते हैं, और अभी जो है इसे हम चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं। तो देख सकते हैं ये चार्जिंग हमारा लेने लगा है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों कुछ इसी प्रकार जो है आप भी अपने जो है ब्लूटूथ एम्पलीफायर स्पीकर में, ब्लूटूथ छोटे वाले स्पीकर में आप आराम से जो है चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। दोस्तों पावर पॉइंट हमारा जो है ये वाला स्विच है पावर पॉइंट का, तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक स्पीकर भी लगा देते हैं इसमें, अगर चालू होगा तो इसमें से साउंड आएंगी, तो समझ लीजिए कि हमारा ब्लूटूथ जो है काम कर रहा है। चलिए मैं चालू करके देखता हूँ, ये इसका पावर बटन है, तो देखिए, तो देखिए दोस्तों ये चालू हो चुका है, देख सकते हैं ये चालू हो चुका है। तो सॉन्ग जो है बजा के दिखाऊंगा इसमें, या आखिर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो देख सकते हैं अभी ऑन करता हूँ, तो देखिए ये बजने लगा है अभी। ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो है अभी देखिए ये मैंने बंद कर दिया अभी, और हमारा जो है अभी काम हो चुका है, अभी जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज होगा और हमारा चार्जिंग अब ले रहा है। तो दोस्तों आप भी अपने ब्लूटूथ का जो है इसी प्रकार से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ हो रहा था, इसका चालू करते ही बंद हो जा रहा था, जैसे कि बैटरी खत्म होता है तो सेम टू सेम प्रॉब्लम होता है। तभी मैंने चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया है, प्रॉपर तरीके से भी काम करने लगा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बेल आइकन घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, और मैं
दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।